हेलो, मेरा नाम है उमंग और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि थंबनेल का ट्यूटोरियल लेके आओ, तो मैं सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग थंबनेल का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं फोटोशॉप में करने वाला था, बट फिर मैंने ये सोचा कि फोटोशॉप तो सबके पास नहीं होगा, तो क्यों ना मैं फोटोशॉप के अल्टरनेटिव पे थंबनेल का ट्यूटोरियल बनाऊँ, जिसका नाम है फोटोफी। उसका बिगिनर ट्यूटोरियल भी मैंने मेरे चैनल में बनाया है थोड़े दिनों पहले, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो। और फोटोशॉप जैसा ही है, अराउंड 80% सेम फोटोशॉप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी सॉफ्टवेयर की जैसे उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि वो एक सॉफ्टवेयर है, बट वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च फोटोफी, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो मैं अभी ये स्क्रीन स्विच करता हूँ। क्या हो गया मेरा मैजिक को। तो ये है फोटोफी का इंटरफेस, जिसमें आपको फोटोशॉप के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो मैं सिलेक्ट करूँगा न्यू प्रोजेक्ट एंड अपना फाइल का नाम चूज कर लो एंड रेजोल्यूशन को 1920x1080 फॉर थंबनेल। सब होने के बाद क्रिएट पर क्लिक करो तो आपके सामने एक वाइट शीट आ जाएगी। तो इसमें आपको बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे जैसे फोटोशॉप में दिखते हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी सेम ही काम करते हैं। तो सबसे पहले फाइल में जाके सैंपल इमेज को ओपन करूंगा और इसे मैं हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा। मेरे माइंड में जैसा डिज़ाइन आ रहा है वैसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये एडिटिंग करने के टाइम में आपके माइंड में भी जैसा डिज़ाइन आया वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये चीज़ यहाँ चाहिए, वो चीज़ यहाँ चाहिए, वैसे एक एम्प्टी लेयर को ऐड कर दो एंड ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड टू राइट साइड ड्रैग कर लो। नाउ आई विल एड अ रैंडम टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई सेटअप टूर, और आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, तो आप हर एक को धीरे धीरे से चेक कर सकते हो। टेक्स्ट को प्रॉपरली एडजस्ट कर दो पूरे डॉक्यूमेंट में अपने इमेज के साथ में। और अब टेक्स्ट को मैं एनहांस करूंगा, और एनहांस करने के लिए टेक्स्ट की जो लेयर है उस पर राइट क्लिक करो एंड चूज ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब मैं इसमें कलर ग्रेडियंट ऐड करूंगा, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हो। अब मैं इसमें स्ट्रोक ऐड कर दूंगा व्हाइट कलर एंड स्ट्रोक की साइज को अराउंड 8 to 10। अब मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर दूंगा, ओपेसिटी को 100% कर दूंगा एंड डिस्टेंस को 0 एंड स्प्रेड एंड साइज दोनों को इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं इसको और एनहांस करूंगा लाइक एडिंग सम इमोजी एलिमेंट्स एंड ऑल। तो आपको जो भी ऐड करना हो आप वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अपना फोटो भी ऐड कर सकते हो, फोटो को क्रॉप करके उस पर स्ट्रोक भी डाल सकते हो। तो मैंने और एक क्रिएट किया है सेम ऐसा ही। तो आपको जितना टाइम देना हो उतना थंबनेल में टाइम दे सकते हो, और जितना बनाना उतना बना सकते हो। जितना आप करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आप इसमें मास्टर भी हो जाओगे। तो मैंने और एक थंबनेल क्रिएट किया है सेम टू सेम इमेज को लेके। तो आप जितना थंबनेल बनाओगे ये आपके लिए अच्छा है कि आपको पता चलेगा कि क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने स्क्रीन के ऊपर दो सैंपल लिए हैं, पहला वाला जो मैं बना रहा था वो, और उसके बाद जो ये मैंने बनाया वो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने कमेंट से भर दो, जाओ जाके कैसा लगा मुझे बताओ, यूज़फुल लगा कि नहीं, और कोई टिप हो देना चाहते हो मुझे तो वो भी दे सकते हो। एंड सब्सक्राइब करके जाना, अगर नहीं किया तो देख लेना, मैं बहुत बुरा मान जाऊँगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।
आए।